गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ज्योति विजय। चैप्टर फर्स्ट, वी शैल ओवरकम। वी रीड अबाउट दिस चैप्टर इन अवर प्रीवियस वीडियो एंड वी डू एक्सरसाइज टुडे। वी डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Let us start. Look in the notebook. Chapter first, we shall overcome. Answer the following questions. Okay. Here, I write three questions answers. Okay. Question first, why does the poet say we are not afraid? Why does the poet say we are not afraid? ऐसा क्यों कहता है? कभी ऐसा क्यों कहता है? क्यों कह रहा है? ये क्यों कहता है? वी आर नॉट अफ्रेड, हमें कोई डर नहीं है, हम डरे हुए नहीं हैं। देखो आंसर, द पोइट सेज, जो कवि कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही स्ट्रॉन्गली फील इट, क्योंकि वो ऐसा अपने दिल की गहराइयों से बहुत ही डीपली वो थिंक कर रहा है इस चीज़ को अंदर से, अब कि हम अब किसी से डरे हुए नहीं हैं। वी विल फ्री, वी आर नॉट अफ्रेड। ओके, वो अपने दिल की गहराइयों से इस बात को कह रहा है। क्वेश्चन सेकेंड, विच लाइन द सॉन्ग टेल्स यू वॉट डैट द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। कौन सी लाइन है सॉन्ग की जो आपको ये बता रही है कि जो पोइट है वो वर्तमान में शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह पा रहा है? तो आप 18th लाइन है इसकी, इन द सॉन्ग, सॉन्ग की 18th लाइन है जो ये बात शो कर रही है कि जो पोइट है वो पीसफुली, प्रेजेंट में पीसफुली नहीं रह रहा है। टेल अस दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। बुक की 18th लाइन कौन सी थी? ये आपके पास बुक है, उसमें सर्च करना कि बुक की 18th लाइन कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। तुम कैसा महसूस करते हो जब तुम इस गाने को गाते हो? When we sing this song, जब हम गाने को गाते हैं, we feel inspiration, हम इससे प्रेरित होते हैं, हम अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं to face, सामना करने के लिए difficult situation, कठिन परिस्थितियों में with courage, साहस के साथ। जब हम इस सॉन्ग को गाते हैं तो हम अपने आप में प्रेरित होते हैं, अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं और कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करेंगे साहस के साथ। ये ठीक है, लुक हेयर, 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू राइट इन योर नोटबुक। Thank you.